हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 11th वालों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो दोस्तों, क्योंकि मेरी आदत है सच दिखाने की, मेरी आदत है वो डेटा लाने की जो किसी के पास नहीं है, वो डेटा जिसकी आपको ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आखिर वो डेटा क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं भाई आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। आज के इस दूसरे वीडियो में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है भाई। एक सवाल मेरे पास आया था कि सर, जैसे आप क्लास 6 के फॉर्म संख्या बता रहे हो भाई, किस जिले में कितने फॉर्म पड़े हैं, ऐसे ही क्लास 11th के लिए बता दीजिएगा। तो भाई प्रयास किया मैंने और प्रयास करके आपके लिए वो चीज मंगा ली है जिस चीज का आपको इंतजार था। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई, सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक जरूर बनता है भाई। वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ही लाइक वाला बटन दबा दिया करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और एज यूजुअल सब्सक्राइब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इन दोनों को करने में कंजूसी किस बात की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी आदत जो है फेक दिखाने की नहीं है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, ये डेटा है क्लास 11th का, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है भाई, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉर्म पड़े हैं, किस नवोदय विद्यालय में क्लास 11th में कितने फॉर्म पड़े हैं, और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं, हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर हम कहाँ स्टैंड करने वाले हैं और कितने बच्चों के साथ कंपटीशन हमारा होने वाला है। पूरे देश का डेटा उपलब्ध है, 19 पेज की लिस्ट है। आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि भाई ये डेटा मैं अभी कहीं डालने वाला नहीं हूँ, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आपको बस करना है एक कमेंट और बतानी है आपकी अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट भाई, आपने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है। और जब आप कमेंट कर देंगे, चाहे 1000 कमेंट आए, चाहे 2000 कमेंट आए, चाहे 500 आए, चाहे 200 आए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा कि हमने तो एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किया है भाई। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने मेनली अप्लाई किया है, पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद अपना प्रेफरेंस ज़रूर कमेंट करें। यानी आपने जो 3 अदर डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए हैं, उनको भी आपको कमेंट करना है और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चाहे मुझे 10 दिन लग जाएँ रिप्लाई पूरे करने में, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा। पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, आपको बस अपना जिला बताना है कि भाई आखिर आपने किस जिले से आवेदन किया है। एंड होपफुली ये लिस्ट थोड़े दिन के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करने के लिए मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, भर डालो मेरा कमेंट बॉक्स और अपना जिला और कौन कौन से जिले से आवेदन किया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालो, डालो, भर डालो मेरा कमेंट बॉक्स। और सब्सक्राइब और लाइक की भरमार हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ। वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा उन लोगों के पास जिन लोगों ने क्लास 11th में अप्लाई किया है और डेटा जानना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से तो मिलूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।